गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट लेक्चर वाला अपना वर्क कर लिया होगा। और स्टूडेंट, आज आपको अगर ये वर्क करना है तो आपने नोटबुक अपने साथ रखनी है, ओके? तो मेरे साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। अब कंपेयरिंग नंबर्स क्या था, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कंपेयरिंग नंबर, लाइक वन डिजिट नंबर को कंपेयर करना कि टू ग्रेटर है या फाइव ग्रेटर है। ऑब्वियस टू, देखिए टू और ये क्या है, फाइव। विच वन इज ग्रेटर, एज यूजुअल आप सभी को पता है, यस फाइव इज ग्रेटर। तो बच्चे, लेकिन अब हम बात करेंगे कंपेयरिंग नंबर, आपने टू डिजिट के बारे में पढ़ लिया, तो टू डिजिट के अंदर अब हम स्टडी करेंगे कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लिखे हैं, रूल वन, रूल टू, रूल थ्री, ओके? तो इन रूल्स को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है और मेरे साथ साथ वर्क जरूर करना है। फर्स्ट रूल है मेरे पास, लोकेट द बोर्ड प्रॉपरली, ओके? मेरे फर्स्ट में हम एग्जाम्पल करेंगे, जहाँ जहाँ मैं फिंगर रखूँ, जहाँ जहाँ पर मैं आपको कहूँ फोकस करो, तो आपने वहाँ पर देखना है, क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब को छोड़ के हम देखेंगे कि 25 एंड 8 का एग्जाम्पल। टू डिजिट नंबर को मैंने आपको अबेकस पे करना सिखाया था, करवाया था ना, राइट? यस। तो अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 28 एंड 5 आप मेरे साथ साथ करो, यस 28 और 25 एंड 8 को आप जल्दी से अबेकस पर लिखो, यस यस इधर मैं करती हूँ, ओके? जल्दी करो जल्दी, यस। हो गया होगा आपका, यस। देखिए मैंने भी कर लिया, क्या लिखा हुआ, 25 एंड 8। मैंने ये वाला अबेकस 25 का, यहाँ पर कितने डॉट्स बीट्स लगाई हैं, 5 और यहाँ पे 2, यस। ये वंस की पोजीशन पर और ये टेंस की पोजीशन पर, और 8 तो ओनली कौन सी पोजीशन पर है, वंस, यस। अब मैंने यहाँ पे ये दोनों चीजें लिख दी, क्लियर? देखिए लाइन क्या लिखी हुई है वो देखो आप फोकस। अ टू डिजिट नंबर इज बिगर देन अ वन डिजिट नंबर, मीनिंग कि जो टू डिजिट वाला नंबर होगा वो ऑलवेज ही ग्रेटर होगा वन डिजिट वाले नंबर से। कि जैसे 25 है और 8 है, तो आपने देखा क्या रूल लगाया कि ये तो क्या है, टू डिजिट नंबर, और 8 क्या है, ओनली वन डिजिट नंबर। तो सीधा बाय रूल वन क्या हो जाएगा, टू डिजिट वाला ग्रेटर हो जाएगा, यस। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर, क्लियर? समझ आया? तो टू डिजिट वाला क्या हो गया, बिगर नंबर हो गया, बड़ा नंबर हो गया, ग्रेटर हो गया, क्लियर, वन डिजिट नंबर से। ये हमारा रूल था फर्स्ट। अब हम जाएंगे सेकेंड रूल पे, यस। अब मैंने क्या लिया, दोनों एग्जाम्पल देखने पहले आपने 87 और 24 को बैकस पे बनाओ जल्दी से, फास्ट। 87 आप ऐसे करो, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आप लिख दो यहाँ पर 34 बना दो, यस 34 लिख के देखो। ये भाई वंस पोजीशन, ये टेंस पोजीशन, ये भी वंस और ये टेंस। आप जल्दी से करके बताओ 34 एंड 24, आप भी करो मैं भी करती हूँ। अब एक्स पे आता है ना, जल्दी से बना के दिखाओ, पांच पांच जो विद मी, यस। देखते हैं कौन पहले करता है, देखिए टू डिजिट नंबर मेरा हो गया, यस yes, आपका भी हो जाना चाहिए, अब तो बहुत अच्छे से कर लिया। अब इसको बढ़ो, इन टू डिजिट नंबर द नंबर विद ग्रेटर टेंस, इसको हाईलाइट करना है, क्या है, ग्रेटर टेंस इज ग्रेटर, यानी कि जो टेंस पोजीशन पर है, किसमें, टू डिजिट वाले नंबर में। टू डिजिट आपको पता है ना, टू डिजिट में जो टेंस पोजीशन पर है, जो टेंस पोजीशन पर है, जो ग्रेटर होगा नंबर, जैसे मान लो टेंस पोजीशन पर यहाँ पे कौन है, यस 3 एंड 2, 3 ग्रेटर है या 2, यस 3, तो फिर डायरेक्ट कर्व बाय रूल 2, 34 इज ग्रेटर। आपने और कुछ नहीं देखना, टू डिजिट दिए दोनों नंबर क्या है, टू डिजिट वाले, किस पे फोकस रखना है, ग्रेटर टेंस पे, किस पे, ग्रेटर टेंस पे। तो अब देखिए ये दोनों टेंस पोजीशन, ये भी और ये भी, दीज टू आर टेंस पोजीशन, विच वन इज ग्रेटर, 3 और 2, ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर, 34 ये वाला है, तो दिस वन इज ग्रेटर। समझ आया, हो गया, सेकेंड रूल भी हो गया। अब हम बात करते हैं रूल थर्ड,
क्या लिखा हुआ है इन टू डिजिट नंबर, इससे पहले हम एग्जांपल ही करते हैं 67 एंड 65। जल्दी से वन स्टेंस बनाओ। यस, मेरे साथ साथ बनाना, देखते हैं कौन बनाता है पहले। जल्दी से बनाओ जल्दी 67 एंड 65। जल्दी 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 फास्ट। हो गया, जल्दी से बनाओ। जल्दी 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 फास्ट फास्ट फास्ट। यस, हो जाना चाहिए। आई हैव डन। यस, आई होप आपने भी कर लिया होगा। अब क्या लिखा 67 एंड 65। अब ये तो और ज्यादा हो गया। अब आप कहोगे कि मैम टेंस टेंस पोजीशन पर तो सेम सेम आ गए, इधर भी 6 आ गया और इधर भी 6 आ गया, राइट? अब ये रूल थर्ड कहते हैं कि अगर टू डिजिट नंबर, इफ द टू डिजिट नंबर विद द सेम टेंस, क्या है सेम टेंस है, तो क्या करेंगे सेम टेंस डिजिट, द नंबर विद ग्रेटर वंस डिजिट इज ग्रेटर, यानी कि तब हम किसकी बात करेंगे, वंस की। वंस इधर वाला भी वंस, इस वंस में क्या लिखा, इधर आ जाओ, ये भी वंस, ये भी वंस, इसका वंस 5, इसका वंस 7, विच वन इज ग्रेटर 7 और 5? यस 7, तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा 67, क्लियर? 67 इज ग्रेटर देन 65। रूल 3 अप्लाई कर दिया हमने, क्या करा है, जब टेंस पोजीशन पर सेम डिजिट था तो मैंने इस पे जंप किया वंस वंस वाले पे, वंस वंस में जो ग्रेटर है तो मैंने उसमें से देखा विच वन इज ग्रेटर 7 इज ग्रेटर और 5 इज ग्रेटर, यस ऑब्वियस 7, तो 7 वाला 67 इज ग्रेटर देन 65। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका ये वर्क था, आपकी वर्कशीट इसी के ऊपर बेस्ड है, अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और अच्छे से वर्क करना है, ओके?